वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर राम सिंह के साथ। जैसा कि दोस्तों अपन ने इंग्लिश के सेशन में कल ही मैंने टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दी थी, जहां मैंने पोइट्री पोर्शन से आपको पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें पहली पोइम आपको कंप्लीट करके कल वीडियो अपलोड किया है। उसी क्रम में दोस्तों आज चलते अपन दूसरी पोइम की ओर। दूसरी पोइम क्या है, किसने लिखी, क्या कहेंगी, क्या इसमें मूल थीम रहेगी, वो सारी चीज़ें इस पोइम में अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कौन सी पोइम है दूसरी अपने कोर्स में दूसरी में, उसको देखते हैं। तो नाम है सर उसका माय गुड राइट हैंड। सीधा अर्थ देगा इसका तो अपने हाथ जगन्नाथ, कहने का मतलब जो काम अपने हाथ से अपन करते हैं वही सबसे सर्वोत्तम होता है। और ऐसे शुद्ध हिंदी बनाना चाहे तो आप लिख सकते हो कि प्रार्थना के विषय में व्याख्यान, प्रार्थना के विषय में व्याख्यान, यानी प्रार्थना करनी, यानी माय गुड राइट हैंड का मतलब सीधे समझो कि अपने जो हाथ हैं वो सही होने चाहिए, अपने हाथ पैर चलने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए व्यक्ति को। और उसने सॉल्स मैके साहब ने जो पोइम लिखी है उसका नाम भी दिया है माय गुड राइट हैंड, यानी प्रार्थना के विषय में व्याख्यान दिया है कि अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं और व्यक्ति को अपना हाथ काम स्वयं करना चाहिए। और किस तरह के ये पोइम थे, क्या पोइट था और पोइम के बारे में क्या उसकी मूल थीम है। पहले दोस्तों चलते अपन पोइट के बारे में परिचय लेते कि पोइट कौन था। तो पोइट साहब थे सॉल्स मैके। अबाउट द पोइट देखेंगे दोस्तों, सॉल्स मैके 27 मार्च 1814 to 24 दिसंबर 1889, यानी दोस्तों 19वीं शताब्दी के ये सॉल्स मैके कवि है। वाज स्कॉटिश पोइट, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के थे, इसलिए स्कॉटिश पोइट कहेंगे, इंडिया का होता था इंडियन पोइट कहते। साथ में ही सर क्या थे, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों पत्रकार, तो जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार भी थे अच्छे। ऑथर, ऑथर मतलब लेखक भी थे अच्छे थे। नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार भी बहुत अच्छे थे। और साथ में सॉन्ग राइटर, गाने लिखने में भी मास्टरमाइंड थे। यानी सर सॉल्स मैके एक काली कवि नहीं होकर पत्रकार भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे, और साथ में एक अच्छे गाने लिखने वाले भी थे। गाने वाले तो नहीं थे लेकिन सॉन्ग राइटर भी अलग होता है और सॉन्ग का सिंगर भी अलग होता है। तो सॉन्ग को अच्छे अच्छे गाने को लिखने में भी ये मास्टरमाइंड थे। मैके इज मैनली, मैके साहब जो है वो मैनली रिमेंबर फॉर हिज, वो किस लिए जाने जाते हैं, फॉर हिज बुक, उनकी एक किताब है दोस्तों उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और बहुत ही फेमस है लिटरेचर में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको दिख रहा होगा अलग से मैंने ब्लू मार्कर से शो किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशन एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स, ये इनकी जो कृति थी या रचना थी इसके लिए ये ज़्यादातर जाने जाते हैं और बहुत ही फेमस हुई थी। तो मैके साहब जो मेनली रिमेंबर या जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो उनकी एक बुक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशन एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स। तो ये दोस्तों था परिचय किसका, कवि का। उसके बाद लेते हैं दोस्तों अपन पोइम, इन्हीं की पोइम है माय गुड राइट हैंड, उसमें ये क्या कहेंगे, इसमें ये किस तरह से अपनी पोइम को रिलेटेड करेंगे, किससे संबंधित जोड़ेंगे। तो द पोइम इज रिलेटेड, जो कविता है वो संबंधित है विद द कॉमन थीम, एक साधारण थीम है सर, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी का अर्थ होता है दोस्तों गरीबी, क्या होता है गरीबी, एंड द वे और एक रास्ता, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड और इसको कैसे हटाया, रिमूव यानी हटाना, कैसे हटाया जा सकता है, यानी मूल थीम क्या है दोस्तों इसकी, कि व्यक्ति की गरीबी क्या होती है और उस गरीबी में व्यक्ति की क्या तो आर्थिक स्थिति होती है और उसको कैसे वो दूर कर सकता है और करना कैसे है, उसको खुद को ही करना पड़ेगा। लोग हैं वो सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, कभी भी आर्थिक सहयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस थीम में आपको कॉमन थीम बताई गई है कि किस तरह व्यक्ति गरीबी से जूझता है और उसको खुद ही वो अगर दूर करना चाहे तो मेहनत से कर सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ सिंपैथी देंगे, आपको सांत्वना देंगे, उसके अलावा आर्थिक सहयोग तो बहुत ही कम स्थिति में मिलता है। आगे ये बोलते हैं कि खुद बताते हैं कि व्हेन द पोइट, कि मैं कभी कहता हूँ कि जब मैं फुल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी
मैं भी क्या जब दुखद स्थिति में था और कुछ विषम एडवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विषम परिस्थितियों में, जो परिस्थिति आपने अनुकूल नहीं हो विषम परिस्थितियाँ, ठीक है ना। जैसे अभी विषम परिस्थितियाँ चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना। तो निजी शिक्षक वगैरह हैं उनके, हमारे जो सबके क्या है विषम परिस्थितियाँ चल रही है, सब काम काज ठप पड़े, ठीक है। 7 महीने से घर बैठे, आए एक रुपये की नहीं है, तो विषम परिस्थिति ऐसी क्यों कहते हैं, एडवर्सिटी हो गई तो सीधे किस में घुसेंगे फिर, इस वाले रूट की और रुक नहीं है पॉवर्टी की ओर। तो गरीब दुख तो होता ही है, लेकिन क्या करें, अब देश में वैश्विक महामारी का सवाल है। तो ये लेखक भी ऐसा ही कहता है कि वेन द पॉइंट, मैं क्या खुद कभी कहता है कि जब मैं ग्रीप में दुख में था, ग्रीप यानी दोस्तों होता है दुख। तो मेरे भाई बंधु हो तो आप नोट भी करते रहेंगे साथ में, ताकि समझ में आएगा, एक एक शब्द को जब समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेन द पॉइंट फुल इन ग्रीप एंड सम एडवर्सिटी, विषमताओं में विषम परिस्थितियों में था, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके जब दोस्त थे सारे के सारे, एंड रिलेटिव्स, उसके जितने रिश्तेदार थे, डेजर्टेड हिम। डेजर्ट यानी क्या होता है दोस्तों, आपको नॉर्मल शब्द बताता हूँ, जैसे डेजर्ट, तो डेजर्ट होता है सर रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में क्या है, कुछ नहीं है, रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता और धूल ही धूल उड़ती है। तो कहने का मतलब डेजर्ट का मतलब क्या होता है सर, ये क्रिया है, डेजर्ट एक क्रिया भी है कि सब छोड़ के चले गए, यानी पोइट जब दुख में था और विषम परिस्थिति में था तो उसके सारे दोस्तों ने उसको बुलाना बंद कर दिया और रिश्तेदारों ने भी उससे नाता तोड़ लिया, यानी सब उसको छोड़ कर चले गए, यानी डेजर्ट करके चले गए। तो डेजर्ट यानी दोस्तों ये नाव वर्ब भी है, डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड, तो सब दोस्त उसको और रिश्तेदार उसको छोड़ के चला गया। आगे पोइट बताते हैं मैके साहब, नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया, यानी किसी ने उसकी सहायता नहीं की, किसी प्रकार से उसका आर्थिक सहयोग नहीं किया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो नो वन केम टू हेल्प, यानी किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही फाउंड, उसने पाया ओनली लिप सिंपैथी। ये लिप सिंपैथी क्या होती है दोस्तों, वही मुंह से सिर्फ बोलना, होठों से अरे क्या है ना, आज तू गरीब है कल अमीर हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये तो गरीबी अमीरी तो एक दूसरे के विलोम शब्द आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पैसा हाथ का मेल है, आज तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, ऐसी बातें लोग करने वाले खूब मिल जाएंगे, लेकिन रियल जो इकोनॉमिक अगर सपोर्ट करना है वो लोग नहीं करते, लिप सिंपैथी देते हैं, मतलब होठों से बोलते हैं, खाली मुँह से जुबानी बोल देते हैं कि सब कुछ स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर उसे इकोनॉमिक अगर आप हेल्प मांगेंगे तो वो कोई ना कोई बहाना कर देगा। और ये प्रकृति का भी नियम है, जो साहब अपने मैके साहब अपने शब्दों में बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पाया लिप सिंपैथी, उन्होंने लोगों से सिर्फ लिप सिंपैथी पाई, खाली मुँह से सांत्वना पाई, होठों से फ्रॉम देम उनसे, यानी कि कोई इकोनॉमिक सपोर्ट उनको नहीं मिला, किसी ने उनकी आर्थिक मदद दोस्तों नहीं की। द पोइट थिंक्स, तब कभी सोचता है कि दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कास्टल ऑन सैंड, यानी कि अब दूसरे लोगों पर विश्वास तो करना है तो वो तो एक प्रकार से आप समझ लो कि धूल पे या रेत पे घर बनाना है, ऐसी बात समझ लो, यानी ये कास्टल ऑन सैंड जो बिल्डिंग है कास्टल ऑन सैंड का है, एक फ्रेजल वर्ब है, उसको आप समझेंगे कि पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर, ट्रस्ट यानी विश्वास करना होता है, अदर पीपल इज लाइक, वो तो बिल्कुल दूसरे लोगों में विश्वास करना, वो कैसा समझ रहा है मैं कैसा, और अपन भी समझते हैं अपने साथ जो गुजरेगी तो आपको भी मैसेज होगा, दैट इज लाइक बिल्डिंग ए कास्टल ऑन सैंड, यानी कि कोई बहुत बड़ा भवन खड़ा करना हो और वो किस पे, रेत पे, जो कि संभव ही नहीं है, यानी दूसरे लोगों पे आप विश्वास करना छोड़ दो, अपने हाथ, जगन्नाथ मैंने पहले ही बताया, अपने हाथों में ताकत रखो, खुद में विश्वास रखो, तो एकदम परिस्थितियाँ बदल के ही रहेगा व्यक्ति। देयरफोर, इसीलिए पोइट क्या करता है, ही डिस्क्राइब्ड टू बिलीव इन गॉड, तो उन्होंने भगवान में विश्वास किया, एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और बहुत ही घोर कठोर मेहनत की गई, किसके द्वारा, सॉल्समैन के द्वारा, कहते हैं कि इस परिस्थिति को बदलना है तो फिर भगवान में विश्वास रखो और उसके बाद में जोरदार मेहनत करो, तो अपने आप ही गरीबी दूर हट जाएगी, मेहनत करेंगे तो हार्ड वर्क से पॉवर्टी रिमूव हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान में विश्वास किया और जोरदार मेहनत की, अपने आप को खूब मैंने मतलब हार्ड वर्क में डाला, मैंने अपने आप को सहेजा, लोगों से सिंपैथी खाली मिली, आर्थिक सहयोग नहीं मिला, तो फिर उसने सोचा कि अब किसी से कोई सहायता मांगने से मतलब ही नहीं है, खुद ही हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और गरीबी को दूर करो। विद द रियलाइजेशन, यानी ये अनुभव जो उनको हुआ
हीज क्रेज, उसका जो सांस का था, व्यक्ति का जो सांस होता है अंदर का, जैसे मैं के साहब कह रहे, खुद ही बता रहे, अपने भी ले रहे, तो उनका जो सांस था रिटर्न इन हिम, वापिस उसमें लौट आया, यानी दोबारा उनके अंदर वही सांस रिटर्न इन हिम, यानी इसके अंदर लौट आया। और व्यक्ति वास्तव में जब विश्वास करता है भगवान में और मेहनत करना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक विश्वास जगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ही ओवरकेम हिज सोरो, बस जल्दी मेहनत करनी शुरू कर दी, तो इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी। तो ओवरकेम यानी उभरना, यानी किसी दुखद स्थिति से आप बाहर निकलते हो, उसको उभरना कहते हैं। तो ही ओवरकेम हिज सोरो, उसके दुख से वो उभरा, एंड सून बिकम, और जल्दी ही बन गया द प्रोस्पेरस, यानी समर्थ, समर्थ जिसके बाद बहुत अच्छी समृद्धि वगैरह होती है, धन होते हैं, उसको समृद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो प्रोस्पेरस मतलब आप धनी व्यक्ति से भी ले सकते हो, रिच से भी। दिस हार्डवर्क लिफ्टेड हिम, लिफ्टेड हिम यानी कि उसको ऊपर उठाया, लिफ्ट भी एक क्रिया उठे ऊपर उठाना, उसके हार्डवर्क किया, मेहनत की, तो वो ऊपर उठ गया, प्रोस्परस बन गया, यानी अमीर व्यक्ति बन गया। फ्रॉम सोरो एंड पेन, तो जो उसके सोरो थे, दुख थे, और जो दर्द थे, सोरो एंड पेन, वो सारे के सारे दूर हो गए। कहने का मतलब इसकी मेन थीम सर जो है, मैं कैसे बताते हैं कि व्यक्ति जब गरीब से गुजरता है या जूझना पड़ता है, तो अकेले कोई जूझना पड़ता है, बस अगर लोग अगर देंगे तो सिर्फ सांत्वना देंगे, कोई आपकी आर्थिक सहयोग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो अपने पे ही लेके कह रहे हैं कि मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ तो सारे दोस्त और सारे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए, और आज भी सर यही स्थिति है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके मित्र अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और रिश्तेदार भी आपको बुलाना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप भगवान में विश्वास करते हो और वास्तव में मेहनत करते हो, तो वापिस वो के वही लोग आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे वही वापिस फ्रेंड्स बनना शुरू होंगे, वही रिलेटिव्स आपको उससे ज़्यादा सम्मान देना शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक काम करना पड़ेगा कि अपने को भगवान में विश्वास करना पड़ेगा, और अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हार्डवर्क। तो जो कॉमन थीम दिया और बहुत शानदार पोइम लिखी है इन्होंने, माई गुड राइट हैंड, इनकी आप थीम देख के मालूम कर सकते हैं, और ये वास्तविक स्थिति भी यही है, और आज दुनियादारी में भी अपन भी देख रहे हैं, तो अपने साथ भी जब कभी होता है तो यही स्थिति होती है, जो कि मैके साहब ने अपने शब्दों में लिखा है। तो बहुत शानदार पोइम लिखी है, माई गुड राइट हैंड, विच इज कंपोज्ड बाय साल्स मैके। चलिए दोस्तों इसके एक एक स्टेंजा को लेते हैं, और अपनी स्टेंजा हम वो क्या कहते हैं उनको देखते हैं। दोस्तों अब पोइम के जो इतने स्टेंजा मैके साहब ने लिखे हैं, उनको एक एक को देखते हैं, और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अंडरलाइंड जो वर्ड्स है उन अंडरलाइंड वर्ड्स को वहाँ काला किया हुआ है, और मैंने काले पे ब्लू किया हुआ है, कि इन शब्दों के अर्थ को समझना, बाकी तो नॉर्मल शब्द है, वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है सर। तो पहला स्टेंजा मैके साहब क्या कहते हैं, वही जो मैंने कॉमन थीम बताई थी, बस ठीक उसी प्रकार का ये स्टेंजे भी इसके रहेंगे। यानी मैं दोस्तों आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कॉमन थीम अगर किसी भी की, जैसे रिस्क की आपने कॉमन थीम याद कर दी कि जीवन में अगर रिस्क अपन नहीं लेते तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे, हमें रिस्क लेनी चाहिए, तो ये कॉमन थीम हो गई। और इसकी कॉमन थीम सर गरीबी, और गरीबी में कोई सहायता नहीं करता, हर कोई छोड़ कर चला जाता है, तो बस अपनी मेहनत पे और अपने हाथों पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए, तो अपने आप ही गरीबी दूर हो जाती है। बस उस कॉमन थीम को ध्यान में रखते हुए आई एक्सप्लेनेशन आप लिखना दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि एक्सप्लेनेशन को रटा नहीं जाता है। आपको मैं जो हिंदी बता रहा हूँ उसकी आप इनको एक एक शब्द को देख लो, उसके बाद मैं रेफरेंस मैंने कल ही बताया था कि जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है, पोइम और पोइट का नाम डालना है, और कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि इस स्टैंजा में लेखक क्या कह रहा है, एक लाइन में वो लिखना है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में अब अधिकतम 30 से 40 शब्दों में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। पहले स्टैंजा पे पोइट साहब कहते हैं, आई फेल इन टू ग्रीफ, ये वर्ड आया सर ग्रीफ, पहले भी मैंने बताया जो अपने वहाँ आया था दुख, कि जब दोस्तों मुझे दुख हुआ तो, या जब मैं गरीब हुआ, या जब मेरे विपदा आई, या जब मुझे कष्ट हुआ, तो एंड बिगन टू कंप्लेन, तो मैं लोगों को कहने लगा, कंप्लेन यानी अपनी बात बताने लगा। और कल ही मैंने बताया था कि अगर अपनी भावनाओं को एक्सपोज करोगे किसी के आगे, फीलिंग्स को, तो लोग अपनी फीलिंग्स को सुनेंगे तो सही, लेकिन आगे जाके आपको सेंटिमेंटल कहेंगे और आप रोओगे,
वो सेंटिमेंटल वहाँ पे आया था रिस्क में कि अगर रोगे तो भी रिस्क है। तो आप ये अगर कभी ऐसी दुखद स्थिति में होते हो तो लोगों से वो विचार या लोगों को शिकायत करने से बेहतर है, अपने विचार रखने से बेहतर है आप मेहनत करो। तो लेकिन मैंने भी जब दुख में हुआ तो बिगेन टू कंप्लेन, अपने रिश्तेदारों मित्रों को कहने लगा और आई लुकड अप फॉर ए फ्रेंड, और मैंने दोस्त की तलाश करना शुरू किया, ऐसे दोस्त की तलाश करना शुरू किया जो कि भाई मेरी सहायता करे, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में मदद करे। बट आई सॉट हिम इन देन, बट सॉट क्या होता है सर, ट्राइड टू फाइंड के मतलब ढूंढने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना। तो आई बट आई सॉट हिम इन वैन, वैन होता है सर निष्फल या व्यर्थ, निष्फल या व्यर्थ। इन शब्दों के दोस्तों थोड़ा अर्थ याद रखना ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आई सॉट हिम इन वैन आई, मतलब इसने पोइट कहता है कि मैं कैसे आई ट्राई टू फाइंड ए फ्रेंड हु हेल्प हिम, कि मेरी कोई सहायता करे, लेकिन ऐसा मिला ही नहीं कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार मिला, सब निष्फल गया, व्यर्थ गया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। कॉम्पेनियंस जो उसके दोस्तदार थे, जो उसके साथीगण थे, वरसाई अब वो बिल्कुल एकदम शर्मिंदगी महसूस करने लगे और अपने से दूर हटने लगे। एंड एक्वेंटेंस क्या होते हैं सर, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको एक्वेंटेंस कहते हैं। वर कोल्ड, अब या कोल्ड का अर्थ वैसे तो सर ठंडा होता है, लेकिन यह ठंडा अपने को नहीं लेना है, यह भावनात्मक रूप से लेना है, इसका अर्थ लेना है भावना शून्य, यानी भावना शून्य हो गए मतलब बिल्कुल ही अपने पेट की नेगेटिव हो गए, क्योंकि अपन गरीब हो गए और दुनियादारी का भी वो भी कोल्ड हो गए कि इसको देंगे भी तो ये बाद में क्या देगा, अभी इसका आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि इसको कोई मदद भी करेंगे तो ये बाद में कुछ देने से लिया, इसलिए एक्वेंटेंस जो थे रिश्तेदार थे वो भी कोल्ड हो गए, यानी भावना शून्य हो गए, यानी बिल्कुल ही उन्होंने मदद से इनकार ही एक प्रकार से समझो, किसी ने साफ मना किया होगा तो किसी ने बहाने बनाए होंगे, कुल मिला के वो कोल्ड हो गए थे, यानी ठंडे बस्ते में चले गए थे, किसी सब भावना सुनने हो गए थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की। दे गेव मी गुड काउंसल, काउंसल क्या होते सर, एडवाइस सलाह, ये तो भारत में फ्री मिलती है और इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, सलाहकार खूब मिल जाएंगे एक से एक। दोस्तों जीवन में जब भी कोई सलाह लेने जाओ ना आप किसी एक चीज़ की, तो हजारों लोग आपको सलाह देंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, यूँ करने से यूँ हो जाएगा, यूँ करो सर, ऐसा करने से वो होता है, तो सलाह दे देंगे, लेकिन कहेंगे भाई साहब आप मेरा कुछ उसमें साथ देंगे क्या, तब स्पष्ट रूप से आपको क्लियर है यार मेरे पास का टाइम नहीं, मैं तो आपको कह रहा था कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो काउंसल तो बहुत अच्छे लोग आपको दे देंगे, सलाह देने वाले तो भारत में कमी नहीं है और पूरे विश्व में भी कमी नहीं मिलेगी आपको। तो दे गेव मी, उन्होंने के मुझे दिया गुड यानी बहुत अच्छे काउंसल, यानी अच्छी अच्छी सलाह दी। बट डिडेड देयर गोल्ड, डिडेड यानी डिड यानी आप दोस्तों स्पष्ट रूप से मना किया, ऐसे ही मान लो मना करना ही होता है इसका डिड का अर्थ। डिडेड देयर गोल्ड, गोल्ड का अर्थ या सोने से नहीं लेना है, यानी गोल्ड जो सोना होता है धातु होती है उससे नहीं लेना है, या मनी से लेना है। डिडेड देयर मनी यानी अपना धन देने से इनकार किया, यानी इकोनॉमिक मदद किसी ने उसकी नहीं की, सब ने क्या क्या कर दिया, मना कर दिया। एक्वेंटेंस और कंपेनियन जो भी इसके मित्र थे, उसके जो रिश्तेदार थे, सब ने मना कर दिया क्या करने से सर, डिडेड देयर गोल्ड यानी अपना आर्थिक सहयोग देने से मना कर दिया। तो जैसे सर यही स्टैंजा मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं सर, तो कल भी बताया था रिस्क में और आज भी एक पैराग्राफ आप देख लो, जैसे कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस आता है तो सर रेफरेंस के भी अलग नंबर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के भी अलग होते हैं और एक्सप्लेनेशन के भी अलग होते हैं। जैसे यही पैराग्राफ मान लो स्टैंजा आ गया आपके परीक्षा में, तो अब आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या है। तो लेखक दुख में था, फिर उसने मदद मांगी, दोस्त ढूंढा, कोई मदद मिली नहीं, किसी सब ने मना कर दिया, अच्छी अच्छी सलाह दी लेकिन किसी ने उसका आर्थिक सहयोग नहीं किया। तो रेफरेंस में तो दोस्तों सबसे पहले वही मैंने कल लाइन आपको लिखवाई थी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, और फिर कॉमा बंद कर दो, माई गुड राइट हैंड विच इज कंपोज्ड बाय या विच इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सॉल्स मैके द्वारा,
वहाँ पर जनरल रेंट थी, यहाँ सॉल्स में के करना, वहाँ रिस्क था, यहाँ पे माई गुड राइट हैंड करना, यानी कुछ नहीं करना दोस्तों। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, यानी कि ये लाइन कंटस्ट करना और आपको सीधा सीधा एक नंबर बोर्ड में आपका पक्का है, भले किसी भी स्टेंजा को पहचानना है और उस पोइम का और पोइट का नाम लिखना, और सबसे पहले ये इनको पढ़ो तो पोइट्री पोर्शन में चारों के पोइट के नाम और चारों की पोइम के अच्छी तरह से नाम याद कर लेना, उसके बाद ये तो अपने आप ही हो जाएंगे। और सब में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो दोबारा पुनरावर्तित नहीं होते, उससे अपन स्टेंजा भी समझ जाते हैं कि किसका स्टेंजा है। जैसे वहाँ अपन ने रिस्क पोइम पढ़ी, उसके और इसमें स्टेंजा में किसी शब्द का कोई लेना देना ही नहीं है, तो अपने आप ही मालूम पड़ता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। और सेम पोइम कोई है ही नहीं, चारों पोइम है वो अलग अलग है, तो अपन देखेंगे आगे जो पोइम आएगी। तो दोस्तों इस तरह से फिर कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पर क्या पाते हो आप, तो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब अबाउट हिज पॉवर्टी एंड आप लिख सकते हो ही सर्च्ड फॉर ए फ्रेंड बट ऑल इन वैन, सब व्यर्थ गया। इसमें आप लिख सकते हो कि दोस्तों वो गरीबी में था लेखक और उसने दोस्तों की तलाश की, लेकिन बट ऑल इन वैन यानी सारा व्यर्थ गया, निष्फल गया, बस ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। एक नंबर उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में इसका जो मैंने हिंदी बताया है उसी को अपनी भाषा में प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको लिखना है। कल भी मैंने इस टेंस के बताया था, आज फिर बताता हूँ, क्योंकि वहाँ सब ऐसे ही लिखते हैं, व्याख्या में हमेशा प्रेजेंट सिंपल में क्यों करते हैं सर, क्योंकि इन पंक्तियों में कवि ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं दुख में था, मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो जो व्याख्या करने का तरीका वो प्रेजेंट सिंपल से शुरू होता है, बाद में जो पास्ट के जो सेंटेंस है तो वह आज लगाना है, वल लगाना है, आपको अच्छी तरह से ग्रामर पे थोड़ी पकड़ बनाए रखनी है, इजीली दोस्तों हो जाएगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो पाँच में से आपको ज़्यादा नहीं तो तीन साढ़े तीन नंबर तो किसी के नहीं है। और आप जुड़े रहेंगे तो दोस्तों मैंने कहा है कि अगर आपकी वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और एक एक शब्द का अर्थ आपको आ रहा होगा, बढ़िया आप ढंग से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे भी मिल सकते हैं। ये आपकी मेहनत पे डिसाइड करता है और ये कविता पूरी मेहनत पे ही है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड कैंडिडेट्स को तो रेस्ट करना ही नहीं है, अगर इस बार परीक्षा कब होती है, कब होगी, नहीं होगी वो देखा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई से एक बार जुड़े रहना है। चलिए सर दूसरा स्टैंजा इसका देखते हैं। अब इतने जनों से इनने मदद मांगी लेकिन सब ने क्या कर दिया, सलाह के अलावा कुछ नहीं दिया। किसको सर, कब, पोइट को, सॉल्स मैके को। तो अब ये दूसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं, दूसरे स्टैंजा में कहते हैं लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। अब ये बहुत ही दुखी हुआ और सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे रिश्तेदार थे, तो कोई भी मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ सलाह दे रहा है, कोई को मदद नहीं कर रहा है। तो उसने अपने दिमाग में ला लिया लेट देम गो, जान दे उनको, एक की भी मदद नहीं चाहिए मुझे, किसी की मदद नहीं चाहिए, जो कुछ करना होगा मैं करूँगा। और ये भाव जब अपने अंदर आ जाता है दोस्तों तो अच्छी अच्छी दुनिया में ना पहाड़ों के अंदर रास्ते बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति की समझ में दुनियादारी कब आती है, जब ऐसे दौर से व्यक्ति गुजरता है, यानी आर्थिक तंगी से जब गुजरता है, तब मालूम पड़ता है कि रियल उसका फ्रेंड कौन है और रियल उसका रिलेटिव कौन है। इसमें जो आपका मदद करता है वही दोस्तों समझना, वही आपका रियल फ्रेंड है, बाकी जो हाथ ऊपर करते हैं ना वो तो सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनसे तो आप दूरी रहो, यानी कि ऐसे दोस्तों से तो दूरी भली, वो कोई काम के नहीं है। तो इन्हें इसने भी कहा, पोइट ने भी कि लेट देम गो, जाने दो उसको, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक दोस्त है, मेरी साइड में भी है, मेरे पास भी एक दोस्त है। वो दोस्त आप समझ सकते हो, यहाँ पर पोइम में सर कुछ बातें होती है जो अपने को समझनी भी पड़ती है। आई फ्रेंड, ये फ्रेंड ऐसा कौन सा दोस्त है, कोई व्यक्ति का नाम है क्या, नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है जो हार्ड वर्किंग होती है ना, जिससे ये अपनी गरीबी को दूर करेगा, जो कॉमन थीम में आया था, तो वो फ्रेंड इसका है। ये आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, यानी इसके पास कौन सा दोस्त है, हार्ड वर्किंग वाला। तो ये अब कहेगा मेहनत, क्या अब मैं मेहनत करूँगा, इसके अलावा तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं, तो इसके पास भी, मेरे पास भी एक दोस्त है, अब मैं उसकी सहायता लूँगी, यानी किसकी सहायता लेगा, ये कठोर परिश्रम की, हार्ड वर्किंग की, टू लिफ्ट मी, जो मुझे खुश मिजाज बनाएगा, ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, जो मुझे जोड़ेगा लोगों से, वॉट एवर बी टाइड, चाहे कुछ भी, वॉट एवर यानी चाहे कुछ भी, इसका दोस्तों लिख सकते हो आप, चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी, और बी टाइड यानी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं क्या करूँगा, मेहनत करूँगा, क्या करूँगा,
मेहनत करूंगा और वही मेहनत मुझे ऊपर उठाएगी, तो अपने आप ही सारे रिश्तेदार और दोस्त दौड़े दौड़े आएंगे। और प्रकृति का भी यही नियम है, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। सैम ऐसे कैसे मैंने कॉमन थीम में भी आया था कि रेत के ऊपर किस तरह से बिल्डिंग बनाना, तो ये कहना है कि लोगों पर भरोसा करना, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड, इस संसार के लोगों पे या ह्यूमन बींग्स पे भरोसा करना, इज टू बिल्ड इस तरह से बनाना है ऑन द सैंड, जैसे कोई रेत पे महल बनाना हो या घर बनाना हो, तो बिल्कुल लोगों पे विश्वास करना है। ये अपन को तब मालूम पड़ता है जब अपन को किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा अब इन सबको मैं छोड़ूंगा और मेरा जो दोस्त है उसकी मैं मदद लूँगा, जो मुझे खुश मिजाज या मुझे लिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा, धनी बनाएगा। आई शैल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, और वही मुझे ऊपर उठाएगा और उस पर मैं विश्वास करूँगा, तो मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। स्वर्ग की प्राप्ति करना यानी सुख की प्राप्ति करना, सुख यानी एकदम व्यक्ति प्लेजर में होगा, एंड माय गुड राइट हैंड यानी कि प्रार्थना के विषय में जो व्याख्यान है, यानी मेरे हाथों पे मुझे पूरे विश्वास है। तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया, अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, अपने हाथ से किया हुआ काम और मेहनत यही दोस्तों रंग लाती है एक दिन और सफलता की ओर अपने को ले जाती है। तो दूसरे स्टेंजा में इन्होंने अपने भाव को कहा है कि सबको जाने दो, मेरे पास एक दोस्त है उसकी मैं सहायता लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं मेहनत करूँगा, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दूँगा, क्योंकि लोगों पर विश्वास करना तो कैसा है, रेत पर महल बनाने जैसा है, जो मेरे कोई काम नहीं होंगे, मेरा काम आएगा तो मेरे सिर्फ हैंड काम आएंगे यानी हाथ काम आएंगे, और हाथ दोस्तों क्या करेंगे, मेहनत करनी हाथों से, और मेहनत करेंगे तो पॉवर्टी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये दोस्तों था इनका दूसरा स्टेंजा। नेक्स्ट तीसरा और चौथा स्टेंजा है वो अपने अगले टर्म में देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरा और चौथा स्टेंजा है मैके साहब का, उनको भी देखते हैं कि आगे मैके साहब पे क्या गुजरती है, किस तरह से अब काम शुरू करते हैं और क्या होता है परिवर्तन, उनको भी समझेंगे। तीसरे स्टेंजा में दोस्तों कहते हैं माई करेज रिवाइव्ड, ये रिवाइव्ड पे अंडरलाइन क्या हुआ है और किताब में भी आप देखेंगे अंडरलाइन है। रिवाइव्ड का आपको अर्थ समझना है कैम बैक, यानी मेरा जो सांस है रिवाइव्ड यानी कैम बैक, वापस लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, ये फॉर्चून्स डेस्पाइट क्या होता है, दुर्भाग्य होते हुए भी, दुर्भाग्य होते हुए भी, मेरा दुर्भाग्य था तो दुर्भाग्य होते हुए भी मेरा जो सांस है वो पुनः वो लौट आया। क्यों लौट आया आपको समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या शुरू कर दिया था दोस्तों, हार्ड वर्क शुरू कर दिया था। मेहनत जब शुरू करते हैं ना तो अपना अच्छे अच्छों के भाग्य बदल जाते हैं दोस्तों, तो दुर्भाग्य नहीं होते हुए भी, फॉर्चून्स डेस्पाइट इन्हें बैड लक होते हुए भी, उसका जो सांस है वो पुनः लौट आया। और किससे आया सर दोस्तों, हार्ड वर्क से। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, अब मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए थे यानी मुझे मेरी मेहनत पर इतना विश्वास हो गया था। एज माई स्पिरिट वाइज लाइट, कि मेरी जो भावना थी मन के अंदर की, जो मैं बिल्कुल उदास हो गया था, वाइज लाइट वो एकमान प्रकाशमान हो गई थी, यानी जो ये भावना मेरे अंदर की बिल्कुल मर गई थी कि मैं क्या करूँगा, वो एक प्रकाशमान हो गई थी यानी कि एकदम चमकदार हो गई थी, यानी माई स्पिरिट वाइज लाइट। और ये भी दोस्तों किससे हुई थी, हार्ड वर्क से। तो माई क्रेज रिवाइव्ड कैम बैक, मेरा सांस वापस लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट यानी दुर्भाग्य होते हुए भी मेरा सांस लौट आया, किससे आया दोस्तों, मेहनत से। एंड माई हैंड, जो मेरे हाथ थे, वाज एज स्ट्रांग एज, और मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए थे मेहनत से, यानी इतनी मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत की और इतना मैं मजबूत बन गया। एज माई स्पिरिट, जो मेरे मन के अंदर की भावना थी, जो गरीब में मैं बिल्कुल दब सा गया था, माई लाइट वो धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगी। यानी आप समझ सकते हो कि वो पोइट जो कह रहा है पॉवर्टी किसे रिमूव्ड होती है और धन आने शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में कांति आनी शुरू हो जाती है, प्रकाश आना शुरू हो जाता है और इस तरह से उसके जीवन में भी परिवर्तन आने शुरू हो गए। इट रेज्ड मी, इसने इट किसके लिए रेफर करता है सर, या हार्ड वर्किंग के लिए, किसके लिए करेगा, हार्ड वर्किंग के लिए। इट रेज्ड मी, इसने मुझे ऊपर उठाया फ्रॉम सोरो, दुख से। अब दुख तो जाना ही है, सुख कब आएगा, जब व्यक्ति को पैसा आना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही सोरो यानी दुख ये तो अपने आप ही भाग जाएगा, ठीक है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे बचाया फ्रॉम पेन यानी दुख से बचाया, जो कष्ट वो देख रहा था लेखक, उन कष्टों से बचाया, किसने बचाया सर, वही हार्डवर्क।
या वही हार्ड वर्किंग। तो ये इट जो रेफर करता है वो किसके लिए है, हार्ड वर्किंग के लिए। इट फेड मी, ये फीड की सेकंड फॉर्म है, यानी इसने मुझे खाना खिलाया, जो मेरी भूख की स्थिति थी वो गई, इसने मुझे खाना खिलाया। क्लेड मी, क्लेड मतलब कपड़े पहनाए, शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो कपड़े पहनाए, और दूसरी क्रिया लेते हैं तो ड्रेस्ड, इट ड्रेस्ड मी मैंने कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, यानी अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही थी, जो मन आए वो खाओ, मन आए ड्रेस पहनो, कपड़े पहनो, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनो, बाकी गरीब व्यक्ति की क्या हालत थी आप समझ सकते हो। तो ये कहता है कि ये जो इट रेस्ड मी फ्रॉम सोरो, दुख से उभरा, तो मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं रही, कपड़ों की कोई कमी नहीं रही। कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो रिच की स्थिति में पहुँच गया है, यानी अमीर हो गया है, तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही। अब दोस्तों प्रकृति का भी एक नियम है, जब इस स्थिति में वापस पहुँचते हैं ना, तो वही जो हमें डेजिटेट करके पहले पैराग्राफ में कहा था छोड़ के चले गए थे, देखना चौथे स्टेंजा में क्या कहता पॉइंट, जो वास्तविक स्थिति से बिल्कुल रूबरू कराएगा सॉल्स में के, और अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वही जो डेजिटेट जिसने हमको, दोस्त जो थे मेरे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था या छोड़ चुके थे, कैम बैक एवरी वन, प्रत्येक वापिस लौट आया और क्या कहने लगे, ये तो होना ही था, हम जानते हैं तू तो यार बहुत ही मेहनती व्यक्ति, और ये तो एक दिन होना ही था, गरीबी तो आती रहती है जाती रहती है, अब देखते फिर तेरे पास वापस धन आ गया। कहने का मतलब जो थे ना दोस्त जो गरीबी में उसको छोड़ के चले गए थे, जब पैसे आ गए उसके पास, तो वापस एक एक करके उसके पास नज़दीक आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, ये डार्केस्ट एडवाइजर सर, डार्केस्ट एडवाइजर का, क्योंकि इन्होंने कोई इकोनॉमिक इनकी हेल्प नहीं की थी, सिर्फ क्या दी थी, मैंने कहा था काउंसल एडवाइस दी थी इनको, डार्केस्ट एडवाइजर का स्पेशल इनके अंडरलाइन भी किया हुआ है कि ये डार्केस्ट एडवाइजर सर क्यों, कि सलाहकार है तो डार्केस्ट कैसे, यानी जब ये दुख की स्थिति में था तब सिर्फ ये सलाह दे रहे थे, और ये सलाहकार थे उस समय कोई भी इसकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा था, तो इनके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, द डार्केस्ट एडवाइजर्स लुकड ब्राइट एज द सन। अब वही एडवाइजर जो बिल्कुल अंधेरे के भांति प्रतीत हो रहे थे गरीबी में, वो लुकड ब्राइट ऐसे चमकने लगे, जैसे सूर्य चमकता है ना वैसे कांतिमान हो गए, प्रकाशमान हो गए, और मेरी ओर खींचे चले आने लगे। वही सलाहकार थे कि, और हम तो कहते ही थे यार मेरे को पहले से सलाह दी थी कि तू ऐसा कर वैसा कर, देख आज तूने किया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उनके लिए इन्होंने यूज किया है डार्केस्ट एडवाइजर। आई नीड देम नो मोर, अब पोइट कहता है सोर्स में के कहता है कि अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं रही, यानी अब क्या की जरूरत, मैंने पहले ही कहा ना प्रकृति का नियम है, जो आपकी रियल कंडीशन में जब गरीबी में कोई मदद करता है तो वही आपका रियल फ्रेंड है, वही आपका रियल आपका रिलेटिव है, बाकी तो काहे के दोस्त काहे के रिलेटिव। तो ये कहता है आई नीड देम नो मोर, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं रही, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे भी सब समझते थे, क्योंकि वे खुद ही रिच बन गया था, बहुत ही अमीर हो गया था, तो अब इनकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सब जानते भी है, और मेरे दोस्त और रिश्तेदार भी समझते थे कि मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं, तो ये अपने आप ही खींचे चले आ रहे, और जब जरूरत थी तो डेजिटेटेड हो गए थे, यानी दूर हो गए थे। और प्रकृति में ही दोस्तों यही नियम है, और अपने साथ भी कभी ऐसा हो जाए अब आजमा के देख लेना, दुनियादारी का यही नियम है, गरीब के साथ कोई मदद नहीं करेगा, कोई हमदर्दी दिखाएगा खाली, लेकिन आर्थिक मदद नहीं करेगा, लेकिन अमीरों के तो आर्थिक मदद करने के लिए लोग आगे बढ़कर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कल उठ के आज मैं उनको 10 लाख दे रहा हूँ, कल उठ के ये 50 लाख की जरूरत पड़ी तो भी ये दे सकता है, यानी अमीर को तो देने के लिए, कहने का मतलब एक कहावत भी है कि गरीब मांगने से भी कोई देता नहीं, और अमीर को अमीर देता है तो अमीर लेता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहता है कि मेरे पास तो इतना मनी यार, कहाँ मैं एडजस्ट करूँगा, कहाँ बैंक बैलेंस में सेट होऊंगा, तू तेरे पास ही रख, यानी लाखों रुपए वो एक दूसरे को लेन देन करते हैं, लेकिन वो मना करते हैं, लेकिन बेचारे गरीब को न कोई मदद करता है, न गरीब गरीब को कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करो, आपको बाकी सारे लोग जो प्रकृति है, जब तक आपका बैड लक चल रहा है, जब तक आपका ये फोर्सन्स डेस्पाइट है, दुर्भाग्य है, तब तक लोग आपसे दूर भागेंगे। सफलता जब तक आपको दोस्तों नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है, पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग कहेंगे कि इससे क्या होगा, ये तो यूं कर रहा है, वो कर रहा है, और जब सफल होंगे
तब वो डार्केस्ट एडवाइजर क्या कहेंगे, ते ये तो हमें मालूम था, ये तो होशियार आदमी था, वैसे ही बहुत ही इंटेलिजेंट था, और ये तो होना ही था, मेहनती व्यक्ति था, इसको तो IAS बनना ही था, ये तो कलेक्टर बनना ही था, SDM लायक था, ये तो दुर्भाग्य था इसलिए लगा नहीं। बाकी ऐसे मैं ही दोस्तों मान लो मेरे को ही एक दो साल तीन साल जो भी मेरे रहे हैं शेष रिमेनिंग, अगर इनमें मैं लग जाता हूँ तो वही जो मेरे लोग कह रहे हैं कि सर लगे नहीं, और बेरोजगारी में अभी मैं जैसे मेरे स्तर पर मेरा काम कर रहा हूँ, और जब मैं लग जाऊँगा ना दोस्तों तो ये डार्केस्ट एडवाइजर जो होंगे ना, तो प्रकृति में लोग बहुत ही बड़े होशियार होते हैं, वो तो कहते हैं कि वैसे ही प्रजापति साहब तो बहुत ही मोर इंटेलिजेंट थे, उनको तो आज नहीं तो कल देखो ये RS बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए, सेकंड ग्रेड बन गए। यानी सफलता जब तक दोस्तों आपको नहीं मिलती तब तक लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। तो लेखक कहता है कि मैं से मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नो मोर एंड दे ऑल अंडरस्टैंड, और वैसा कि वो लोग भी समझ गए, क्योंकि ऐसे लोग फिर बाद में पास में आते हैं ना तो बुलाने की इच्छा भी नहीं होती। आई थैंक दी, अब ये सब दी शब्द किसके लिए आया है, ये इसके हार्ड वर्किंग के लिए ही आया है कि मैं तो धन्यवाद दूंगा, सिर्फ मेहनत को धन्यवाद दूंगा। आई ट्रस्ट दी, मैं विश्वास भी करूंगा सिर्फ मेहनत में, माई गुड राइट हैंड, और मेरे जो हाथ है मैंने पहले बताया था अपने हाथ जगन्नाथ। यानी दोस्तों इस पोइम में जो कॉमन थीम मैंने बताई ठीक उसी प्रकार से पोइट ने अपने चारों स्टेंजा में बताया कि किस प्रकार से वो दुख की स्थिति में सॉल्स में कहते, तब सारे दोस्त और रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए, आर्थिक मदद किसी ने कही नहीं और सिर्फ सलाह देते रहे। उसके बाद में थक हार के उसने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेट देम गो, और ऐसे ही इसके मन में आया कि मेहनत करूँगा। मेहनत करने के बाद जब सर अमीर बना तो उसके बाद सारी चीज़ें लौट के पुनः आ गई, तब वही जो एडवाइज़र थे, वही रिश्तेदार थे, वही दोस्त थे, कंपेनियन थे, पुनः लौट के उसके पास आने लगे। तब लेखक को एहसास हुआ कि वास्तव में प्रकृति में कितनी विषमता है, गरीब की कोई मदद नहीं करता और अमीर होते ही वापस हो के वही दोस्त कैम बैक होते हैं। तो उसने कहा कि अब मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है, भविष्य में अगर किसी पर विश्वास मैं करूँगा या धन्यवाद दूंगा तो किसको दूंगा, मेरे माई गुड राइट हैंड यानी मेरे हाथों को दूंगा, और मेहनत को दूंगा, दी को दूंगा, और विश्वास भी मैं उसी में करूंगा। तो दोस्तों ये थी सॉल्स मैके द्वारा लिखी गई पोइम माई गुड राइट हैंड, जो कि अपने कक्षा 10th की दूसरी पोइम है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मोटिवेट करें, और अधिक से अधिक अपने बोर्ड कैंडिडेट्स को मेरे से जोड़े ताकि आपके वो किताब वाली समझ जाए, जो टेक्स्ट बुक प्ले लिस्ट में भी टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज नाम से पड़ी है, उसमें प्रतिदिन वीडियो जो अपलोड होते रहेंगे तब तक आप विद्यालय नहीं खुलता और खुल भी जाता है तो एक बार अपनी स्कूल में पढ़ना, एक बार मेरे से पढ़ना, दोनों में आप अंतर स्पष्ट करके देख लेना, और दो बार पढ़ने से तीन बार पढ़ने से ये पोइम मैं इतनी बढ़िया ढंग से करा दूंगा कि इसके जो भी नंबर है वो आपके सारे क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। मैं इसी में लगा हुआ हूँ, लॉकडाउन से लेके आज 2.5 महीने हो गए, 10वीं के सेशन लगातार आ रहे हैं इंग्लिश विज्ञान और गणित के, और हिंदी के भी है, और सारी विषय मैं धीरे धीरे दूंगा, आपको मार्च तक मेरे से जुड़े रहिए और बढ़िया ढंग से आपका रिजल्ट आएगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोले कि एक बार जुड़ जाओ प्रजापति सर से, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरूँगा। इसी विश्वास के साथ, अपेक्षा के साथ आज का सेशन दोस्तों मैं ये समाप्त करता हूँ।